और वैदिक गणित। आज हम लोग वैदिक गणित सीखेंगे, ठीक है। वैदिक गणित का एक सूत्र है एकाधिकेन से योग, यानी कि आज हम लोग ये जो सूत्र है हमारे पास एकाधिकेन रूपेण, इससे योग करना सीखेंगे। योग मतलब जोड़, जोड़ का मतलब होता है एडिशन। तो आज हम लोग एडिशन सीखेंगे, ठीक है। एडिशन तो हम लोग पहले भी किए हुए हैं, ऐड करना हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन वैदिक गणित में एडिशन कैसे करेंगे हम लोग। जब एग्जाम में वैदिक गणित का प्रश्न आता है तो उसको जनरल एडिशन के द्वारा हम लोग सॉल्व करके लिख देते हैं, जो कि हमारा मार्क्स वहाँ पे कट सकता है, क्योंकि वैदिक गणित का प्रोसेस जो है वो जरूरी होता है। हम लोग को वहाँ प्रोसेस को करना होता है, जो नहीं कर पाने से मार्क्स काटा जा सकता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वैदिक गणित में हम लोग कैसे प्रोसेस शो करें, ठीक है। चलिए हम लोग करके देखते हैं। यहाँ सामने में मैंने एक ही नंबर दो बार लिखा है, ऐड करेंगे। पहले हम लोग जनरल एडिशन करके देखेंगे और फिर वैदिक गणित, ठीक है। जनरली जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, 6 + 8 = 40। और ये डॉट, ये दोनों को ऐड करेंगे। डॉट वन हमारा शो कर रहा है और ये जीरो,
वन प्लस जीरो वन। तो हमारे पास जो नंबर आ गया ऐड करने के बाद वो है 1570। इस तरह से हम लोग एकाधिकेन पूर्वेन से योग कर सकते हैं और इस योग को हम लोग जब लिखेंगे तो हमको ये डॉट का खास करके ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हम डॉट नहीं लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन का प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा और मार्क्स नहीं भी मिल सकते हैं एग्जाम में। इसीलिए हम लोग जनरल एडिशन नहीं करके हम लोग वैदिक गणित के थ्रू प्रोसेस से एडिशन करेंगे। थैंक यू।